सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार भूदेन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरम कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर हम दूत यतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी मति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र वर धजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर रसि उर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाए सहस बदन तुम यस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित यम कुबेर दिक्पाल जाते कवि गोविंद कह सके कहते उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्त्र जो जन परवान लील्युताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांदि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो युग पर ताप तुम्हारा है परसीत जगत बुझियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर दीन जानकी माता
नारायण तुमरे पासा, सदर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, ता जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे मा सुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होई सी दिशा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर सियावर रामचंद्र प्रिय। और महाराज मैं ये जानना चाहता था कि जिसको भगवान राम के चरणों में, शिव के चरणों में प्यार नहीं होता, उसको राम कथा का अधिकार नहीं मिलता। जिसको कल्याण में आस्था नहीं, उसको विश्राम कैसा। शिव का मतलब ही कल्याण। जिसकी प्रीति कल्याण के प्रति नहीं, जिसका भाव कल्याण के प्रति नहीं, जिसका विचार ही अभद्र है, जिसकी प्रीति ही अभद्र की ओर है, उसके लिए विश्राम कम से कम असंभव है। तो राम कथा यानी विश्राम, राम उसी को ही प्राप्य है जिसको शिव के चरण में प्रीति हुआ करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। जय जय श्री राम चंद्र अवध के दुलारे। सब गाइए। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। भाव से गाइए। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलो जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। सब गाइए। अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे गाइए। अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे। बोलिए अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। सब गाइए।
बोलो जय जय श्री रामचंद्र यवध के दुलारे। श्याम सुंदर माँ यमुना जी, बाबा जी, माँ हुलसी और माँ रत्ना देवी के चरणों में आइए हम समर्पित कर दें कि बाबा जी आपका सत्कारी ये जो कुछ हुआ यहाँ वो आप कबूल करें। आपके चरणों में हम रखकर इस भूमि को वंदन करके, श्री यमुना जी को वंदन करके यहाँ से विदा ले रहे हैं और भगवान ये सब समर्पित करते हुए अब विदा लें और हनुमान जी को विदा दें इससे पूर्व। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम रामचंद्र भजे जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे जानकी नायकम श्री राम। आप सबके प्रेम आदर और भाव के लिए पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हुआ हम सब आपसे विदा ले रहे हैं बड़े भाव और श्रद्धा के साथ।